नमस्कार, आदाब सब लोगों को। बहुत दिनों से एक टॉपिक चल रहा है मेरे साथ में और उसके बारे में काफ़ी पूछ रहे हैं मुझसे लोग, मुझे कुछ चीज़ें भेजी लोगों ने। सो उस बारे में आज आपसे बात करेंगे हम। वो टॉपिक ये है कि बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा कि आपके परनाना उस्ताद वही खान साहब बीनकार, आपके नाना उस्ताद लतीफ़ खान साहब बीनकार और उस्ताद इमदाद खान साहब, इनायत खान साहब, इन लोगों के घर से क्या रिश्ता है, द रिलेशन, ये रिश्तेदारी क्या है और कैसी है। क्योंकि इस सिलसिले में एक किताब कि कुछ पेजेस मुझे किसी ने फॉरवर्ड किए लंदन से। ये किताब खान साहब, उस्ताद इमदाद खान साहब के और उस्ताद इनायत खान साहब के और इस घराने के ऊपर लिखी गई है, लेकिन इस किताब के जो राइटर हैं ध्रुजोति प्रसाद मुखोपाध्याय हैं। इसका नाम आई थिंक सुरो समगति है। पेज नंबर 33 पे एक फैमिली ट्री छपी है, उसमें ये दो नाम आए थे जो मैं आपको दिखाऊंगा, आप भी देखिएगा। मजीद खान साहब बीनकार और लतीफ़ खान साहब बीनकार, ये दोनों नाम जो हैं, मजीद खान साहब बीनकार और लतीफ़ खान साहब बीनकार, ये उस्ताद वहीद खान साहब के बड़े बेटे। इनको इस ट्री में ये दिखाया है कि ये इमदाद खान साहब के नवासी के हस्बैंड्स हैं, ये दामाद हैं इमदाद खान साहब की बेटी के। सो इमदाद खान साहब की एक बड़ी बेटी थी, सबसे बड़ी बेटी, उनका नाम था, मैं उनका नाम बहुत इज्जत से लेना चाहता हूँ, हमारी दादियों में से आती हैं, बेगम बीबी। उसके बाद अगेन उनके वहाँ एक डॉटर, अगेन देर इज़ अ डॉटर, एंड देन उस्ताद इनायत खान साहब, उस्ताद वहीद खान साहब, देन अगेन एक और डॉटर। तो जो सबसे बड़ी बहन थी इनायत खान साहब की, वहीद खान साहब की सबसे बड़ी बहन बेगम बीबी, उनकी दो बेटियां इन दोनों भाइयों को दी थी। ये उस्ताद मजीद खान साहब और उस्ताद लतीफ़ खान साहब बीनकार, ये दोनों उनके दामाद थे। इसके सिलसिले में मैं अपने मेरे जो लास्ट लेजेंड अब घराना गुजर गए हैं 2002 में इनके आसपास, उस्ताद गुलाम कादर खान साहब मेरे नाना, वो भी, वो सबसे छोटे भाई थे लतीफ़ खान साहब, मजीद खान साहब के सबसे छोटे भाइयों में से। उनकी ज़ुबानी भी मैं आपको एक ऑडियो क्लिप सुनवाऊंगा, बहुत वैल्यूबल रिकॉर्डिंग्स हैं। उस्ताद गुलाम कादर खान साहब से जो मेरी तालीम और घर के बुज़ुर्गों की बातों की तालीम, हमारे यहाँ सिलसिले को इम्पोर्टेंस दिया जाता है। सिलसिला क्या है आपका, तो नाना बा की ज़ुबानी वो टेप्स हैं और बहुत सारी हैं, मैं आपको सुनवाऊंगा, इसके बाद आप सुनिएगा। हमारे दोनों भाई, सब में बड़े भाई हैं मेरे, हमारे मजीद खान भाई मियाँ, इनकी बीवी तमीज़न तो इमदाद खान साहब की खास नवासी, नवासी खास नवासी, अच्छा, इनकी पहली लड़की की लड़की, सबसे पहले इमदाद खान चाचा के यहाँ लड़की पैदा हुई, फिर उनकी लड़की जो उनकी शादी हुई उनसे, ये फिर तमीज़न भाभी हमारी पैदा हुई और फिर तमीज़न भाभी हमारी पहली बीवी मजीद खान भाई मियाँ की, शफी की माँ। हाँ, दो तीन बच्चे उनसे, जुबैदा महमूदा क्या समझे, और बच्चे भी उनके कहते थे, और तमीज़न भाभी भी सुबहान अल्लाह, बुरा के जैसी तो सूरत थी उनकी, ऐसी तसीन थी वो, दुबली पतली ऐसी काम नहीं थे, इतनी चतर, कलाम मजीद के तीन चार पारे तो उन्होंने अपने हाथ से लिखे थे। सो उस्ताद मजीद खान साहब और लतीफ़ खान साहब, ये दोनों भाइयों की शादी उस्ताद इमदाद खान साहब की नवासियों से हुई। उस्ताद इमदाद खान साहब की सबसे बड़ी बेटी, बहुत बड़ी, इन सारे भाइयों से, बहनों से सबसे बड़ी जो थी, उनकी बेटियों से हुई। तो मजीद खान साहब बड़े थे, लतीफ़ खान साहब उनके छोटे भाई।
मजीद खान साहब की जो बीवी थी, दादी हम उनको कहते हैं, दादी तमीज़न उनको कहा करते थे, तमीज़न दादी। और लतीफ़ खान साहब की जो हुई उनका वहीदन नाम था। ये दोनों उस्ताद इमदाद खान साहब की नवासियाँ थीं, उनसे उनकी शादी हुई। मजीद खान साहब के एक बेटा हुआ दादी तमीज़न से, जिनका नाम मोहम्मद शफी। लतीफ़ खान साहब की बीवी दादी वहीदन से जो बेटा हुआ था उनका नाम था यूसुफ। वो तकरीबन 12 साल की उम्र में किसी बहुत बीमारी की वजह से वो दुनिया छोड़ गए, अल्लाह को प्यारे हो गए, अल्लाह उनकी मगफरत करे। यूसुफ नाम रखा था, बेतहा खूबसूरत थे वो। ये लतीफ़ खान साहब के घर जो बेटा हुआ, वो लतीफ़ खान साहब के घर बेटा हुआ मतलब वहीद खान साहब का पहला पोता। तो बड़ी धूम से उन्होंने अपने पोते की पहला सालगिरह मनाया था, जिसमें पैरों में सोने के कड़े डाल दिए और चांदी की कटोरियों में पूरे मोहल्ले को लड्डू बांटे थे। ऐसा मेरे बुजुर्गों के सारी बातें घर से मुझे पता चलती है। तो ये रिश्ता जो मैं आज आपके सामने जिक्र कर रहा हूँ, ये रिश्ता उस्ताद इमदाद खान साहब की नवासियों से, उस्ताद लतीफ़ खान साहब, मजीद खान साहब की शादी होना, ये तो बहुत पहले से रिश्तेदारी है और थी। इस बात का जिक्र खान साहब, उस्ताद विलायत खान साहब ने भी किया है। मैं आपको एक ऑडियो क्लिप उनका भी सुनवाऊंगा। जब वो इंदौर के बारे में बात करते थे तो बहुत एक्साइटेड होके ये नाम ज़रूर लिया करते थे, वहीद खान साहब बिनकार। वहीद खान साहब बिनकार और इमदाद खान साहब, वो सगे चचाजाद भाई, तो ये भी एक रिश्ता था। इसीलिए वहीद खान साहब के बेटों को उनकी नवासियां दी कि ये रिश्तेदारी उनकी बहुत पहले से। तो ये रिश्तेदारी अभी ये गई जनरेशन की नहीं है, ये तो दो जनरेशन पहले से चली आ रही है रिश्तेदारी। मेरे दादा के चचाजाद भाई, दूर के चचाजाद भाई, दाया चचाजाद भाई जो थे वो वहीद खान साहब बिनकार, ये शफी भाई है ना, इनके दादा। अच्छा। मजीद खान साहब के बाप। क्योंकि आप देख रहे हैं कि ये जो रिश्तेदारी है उस्ताद वहीद खान साहब की, उस्ताद इमदाद खान साहब की, ये बहुत पहले से चली आ रही है। होली के जलसे बहुत हुआ करते थे इंदौर में, तो होली के जलसे में ज़्यादा से ज़्यादा जो इधर उधर के तमाम हिंदुस्तान भर के आर्टिस्ट इंदौर में आ जाते थे, तो उन दिनों जो सेटल डाउन आर्टिस्ट थे इंदौर में, उन लोगों के वहाँ पर जैसे मजीद खान साहब, लतीफ़ खान साहब, वहीद खान बीनकार, मेरे ग्रैंडफादर के चचाजाद भाई, तो बंदे अली खान साहब बीनकार, मेरे ननिहाल की तरफ से मेरे नाना मुराद खान साहब, और ऐसे ऐसे तमाम विद्वान बड़े बड़े, ये लोग तो परमानेंट महाराज के वहाँ थे। शफी साहब के वालिद के ज़माने से, उनके दादा के ज़माने से, मेरी माँ के दादा के ज़माने से रिश्तेदारी चली आ रही है। तो वही खान साहब बिनकार और इमदाद खान साहब से बारी है, उनकी रिश्तेदारियाँ थी, इसी वजह से बेटियाँ नवासियाँ और पोतियाँ फिर इस ख़ानदान में आने लगी, उस ख़ानदान में शादी होने लगी। ये सिलसिला यहाँ का या इस जनरेशन का या इससे पहले की जनरेशन का नहीं है, इट इज़ ऑलमोस्ट अबाउट 3 generations बिफोर। हाँ, यहाँ मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ कि हमारे वेबसाइट की फैमिली ट्री ज़रूर देखिएगा, बहुत ऑथेंटिक और बहुत ट्रूली डिज़ाइन करेगी, बहुत बहुत अच्छी है वो, आप देखिएगा। विलायत खान साहब, उस्ताद विलायत खान साहब, इमदाद खान साहब की फैमिली ट्री, तो आपको अंदाज़ा आ जाएगा कि इन दो ट्री में से ये रिलेशन ऐसे कैसे मर्ज हो रहे हैं एक दूसरे में, ये रिश्तेदारियाँ कहाँ से चली आ रही हैं। अब देखिए, गगन नज़ीर खान साहब, उनके भाई वहीद खान साहब बिनकार इंदौर में, साहिबजाद खान साहब, इमदाद खान साहब इंदौर के पास, रतलाम और इंदौर के बीच में एक जगह है नौगांवा, इंदौर से ज़्यादा नज़दीक है, रतलाम से थोड़ा बीच में आता है,
नौगावा वहाँ के वो थे, तो ये तो एक ही जगह के आसपास के रिश्तेदार सब वहीं रह रहे थे। हद तक ये है कि जब इमदाद खान साहब इटावा से तशरीफ़ ला रहे थे, इंदौर की तरफ आ रहे थे आगरा से या इटावा से, तो उनकी तबीयत रतलाम पे ख़राब हो गई, और रतलाम पे इतनी तबीयत ख़राब हो गई स्टेशन पे कि उनकी आखिरी वक्त उनकी आखिरी सांसें वो वहीं हुई रतलाम पे। तो लोगों ने आके बताया कि वहीद खान साहब आपके जो भाई हैं इमदाद खान साहब उनका इंतकाल हो गया रतलाम में। फौरन वो वहाँ से रतलाम के लिए रवाना हुए, रतलाम आए और वहाँ उनके साथ जो बच्चे थे उनको भी कहा कि बेटा आप बिल्कुल फिक्र ना करें, ये मेरे भाई हैं। ये बड़े भाई के नाते वो वहाँ से उनको इंदौर लेके आए। इंदौर लेकर आके ख़ानदान के जितने भी बुज़ुर्ग थे वहाँ, उनके वालिद, उनके जितने भी बुज़ुर्ग और ख़ानदान के जितने भी लोग हैं, वो एक पर्टिकुलर कब्रिस्तान है हमारे उस एरिया में जहाँ हम रहते हैं, आज भी हमारे घर है वहाँ महुना का, वहाँ उस्ताद इमदाद खान साहब की तदफीन की। उनका 40वां भी वहीं किया, उनका 30वां भी वहीं किया वहीद खान साहब और उनके बच्चों के साथ। तो ये सिलसिले इस रिश्तेदारी की वजह से हैं, इसलिए नहीं है कि वो कोई बेटियों की शादी हो गई या नवासियाँ उनकी इनके बेटों को दी है। ये रिश्ते बहुत पुराने थे। मुझे बहुत फ़ख्र है कि इस बारे में बहुत सारी जगहों पे लंदन से मुझे पूछताछ हुई, इंग्लैंड में मेरे दोस्त हैं, मेरे कलीग हैं, उन लोगों ने मुझे इसकी ट्री भेजी। फिर मैं अक्सर उस्ताद गुलाम कादर खान साहब मेरे नाना से बातें किया करता था, तो मेरे पास जो ट्री उन्होंने लिखाई थी उनमें भी यही सारे जिक्र थे। मैं आपको उनकी वीडियो जो आपने सुनी ना वो देखिए। तो ये तमाम चीज़ें अक्सर मुझे बहुत अच्छी लगती थी कि आज तमाम ये जो ध्रुवज्योति जो जिन्होंने ये किताब लिखी है सुरसंगति, ध्रुवज्योति प्रसाद मुखोपाध्याय ने, उसमें भी ये फैमिली ट्री छापी है उन्होंने, तो इसकी तफ्तीश या इसकी वेरिफिकेशन के लिए मुझे कहा गया, तो ये उसकी वेरिफिकेशन है। तो इन रिश्तों के बारे में मेरी सनद तो आज आपको मिली गई, लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि बहुत सारी जगहों पे इस बारे में रिसर्च हो रही है, और SRSA और UCLA में, इंग्लैंड में साउथ एशियन आर्ट एसोसिएशन के लोगों ने, बहुत सारे लोग इस पर रिसर्च कर रहे हैं, और बहुत सारे ख़ानदानी म्यूजिशियन जो हैं आज या जो जानते हैं वो सब जानते हैं इन रिश्तों को और इन दो ख़ानदानों को। अगली बार फिर किसी एक टॉपिक के साथ आपके पास, आपके साथ, आप लोगों के बीच आऊँगा। तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।